हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MPS मेगाबिट सॉफ्टवेयर। मेरा नाम है हमजा। आज आपको मैं बताऊंगा आप अपनी USB का आइकॉन कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, ये अपनी आपकी USB जोन सी मर्जी, HP की जोन सी मर्जी कंपनी की हो, आप उसका आइकॉन पे अपनी पिक्चर कैसे लगा सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा। तो चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको सब्सक्राइब का बटन आना होगा, और लाइक कर लें। लाइक करने से हमें हौसला मिल जाता है क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो बना सकें। चलें शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं MPS मेगाबिट सॉफ्टवेयर। मैं नाम हमजा। चलें शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने अपने PC में चल जाए हैं। PC में जाने के बाद यहाँ पे मेरी USB इनपुट नहीं हुई, मैं इसको जल्दी से इनपुट कर देता हूँ अपने PC में। जैसे मैंने अपने PC में इनपुट किया इसको, तो यहाँ पे मेरी USB ओपन शो होने लगी है। जी हाँ, जैसे भाइयों की आम सी USB जब इनपुट करते हैं आम सी डिस्क शो होती है, मेरी डिस्क वैसे शो हो रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा आप इसके ऊपर अपनी पिक्चर कैसे लगा सकते हैं, डिस्क के ऊपर इसका आइकॉन कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जो से आपने USB के आइकॉन पर लगानी है। अगर आपने पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, अपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद, जी हाँ दोस्तों, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एडिट। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है एडिट पे आपने क्लिक करना है। एडिट पे आपने जब आप भाइयों ने एडिट पे क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सेव एड्रेस। जी हाँ, आपने अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है, लेकिन यहाँ पर सारी क्वालिटीज़ आ रही हैं, GP है, PNG, ये बाकी सारी क्वालिटी सारी हमने करना है। BMP फ़ोटो पे हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। अपने इसको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो टाइटल है आपने वहाँ पे लिखना है 1, फाइल नेम आपने लिखना है 1। जी हाँ, आप कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं, लेकिन मैं दे रहा हूँ 1। ठीक है दोस्तों, अब आपने इसको सेव कर लेना है। आपने इसको आप ओके कर देना, सेव होगी आपकी पिक्चर्स। अब आपने इसको क्लोज कर देना है। ये वाली पिक्चर को आपने साइड पर कर देना है, और ये जो है हमारी पिक्चर जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है आपने इसको साइड पे ले आना है। ठीक है दोस्तों, अब आपने बोला क्या करना है, अब आपने करना है राइट क्लिक करके अब आपने यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है, पहले आपने ब्रैकेट डालनी है, यहाँ पे लिखना है ऑटो रन, फिर आपने स्पेस देनी है, और यहाँ पे लिखना है आइकॉन। ठीक है दोस्तों, फिर आपने स्पेस करके इक्वल का निशान डालना है, फिर आपने स्पेस करनी है, और जो सा आपका फाइल का नेम है जिस ये देखें, जैसे मेरी फाइल का नेम है यहाँ पे 1, मैंने 1 के नाम पे फाइल की थी सेव, तो आपने यहाँ पे लिखना है 1। फिर आपने डॉट डालना है डॉट, फिर आपने यहाँ पे लिखना है BMP जो जहाँ से हमने वो अपनी फ़ोटो को एक्सपोर्ट किया था। तो हमने ये देखें, आपको मैं दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BPM। ठीक है, जहाँ से हमने अपनी फ़ोटो को BPN में एक्सपोर्ट किया था आपने वही लिखना है। फिर आपने इसको यहाँ से जाके सेव कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपने इसको सेव कर देना है यहाँ से सेव एड्रेस। ठीक है दोस्तों, अब आपने इसके ऊपर लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है सबसे ज़रूरी बात, आपने पहले इसको ऑल फाइल्स कर देना है, और यहाँ पे आपने लिखना है ऑटो रन, फिर आपने लिखना है ऑटो रन
डॉट आई एन एफ। ठीक है दोस्तों, अब आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, अब आपने इसको साइड पर कर देना है। ये दोनों अब हमारी पिक्चर्स रेडी हो गई हैं। जी हाँ, एक हमारी दोनों पिक्चर्स रेडी हो गई हैं। अब आपने इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा अपने पीसी में चल जाना है। पीसी में जाने के बाद आपको इस अपनी यूएसबी में इसको जाके पेस्ट कर देना है। देखिए पेस्ट हो गई है हमारी पिक्चर्स, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये दोनों चीज़ें हमारी पेस्ट हो गई हैं, तो आपको यहाँ पर अभी फ़ोटो नहीं शो होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप अपने सबसे पहले अपनी यूएसबी को आउटपुट करना है, उसको निकाल देना है बाहर, फिर आपने इसको इन करना है। ठीक है, जैसे आप इन करेंगे तो आपके पास ये देखें ऐसा आइकॉन आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, एक लाइक तो ज़रूर बनता है इस वीडियो पर। तो ये देखें मेरी फ़ोटो यहाँ पर लग चुकी है। तो अब आपने इसे क्लिक करके राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। तो आपने प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको होल्ड कर देना है। ठीक है, ओके कर देना है। ये होल्ड हो गई, आप ये आपको नज़र नहीं आएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा था ऑटो रन ब्रैकेट ऑटो रन, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। अगर आपको समझ नहीं आएगा मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।